सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, ये है बजाज प्लैटिना सेल्फ स्टार्ट और इसकी हेडलाइट जो है वो तेज नहीं हो रही। पूरी एक्सेलेरेटर देने पे भी जो है हेडलाइट पूरी तेज नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में दो ही वजह हो सकती है, या तो कहीं से वायरिंग शॉर्ट है या फिर इसकी जो कोयल वगैरह है उसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो शॉर्ट सर्किट चेक करने से पहले हमें जो है इसकी लाइट कोयल सबसे पहले टेस्ट करनी होती है। हमारा डाउट सबसे पहले यहीं से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें दो वायर मिलेगा आपको, एक ब्लू में वाइट और एक इसके नीचे है येलो में रेड। दो रंग की तार ये डायरेक्ट लाइट कोयल की होती हैं, जिनमें जो है करंट आता है जैसे बाइक स्टार्ट होती है। आप इसको बोटे के साथ इस तरह से टच करके चेक कर सकते हैं। ये दो वायर हैं, आप देख सकते हैं सामने साइड में स्क्रीन शॉट। इन दो तार में आपको ऐसे ही टेस्टिंग करना है। करंट जो है बहुत कम है, लेकिन उसको मैं आपको समझाने के लिए एक मेरे पास ये एक फ्यूज ट्यूब है, इसका एक पॉइंट ठीक है एक ख़राब है, ठीक है। तो जब बाइक स्टार्ट होती है यहाँ पर इतना करंट आता है, हल्की सी भी एक्सीलेटर देंगे तो ये ट्यूब फ्यूज हो जानी चाहिए इन दोनों वायर में, ब्लू वाली में और येलो में रेड वाली में। लेकिन यहाँ पर पूरी एक्सीलेटर देके भी ये ट्यूब जो है ये फ्यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसकी जो लाइट कोयल है वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो चुकी है, या फिर इसकी वायरिंग कहीं से अर्थ हो चुकी है लाइट कोयल की। तो ये कवर हम खोलते हैं और फिर चेक करते हैं क्या इसकी लाइट कोयल में प्रॉब्लम है या फिर कहीं अर्थिंग हुई है इसकी जो कोई वायरिंग वगैरह। तो हमने कवर को खोल दिया है और ये कोयल आपके सामने है। और आप यदि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो कोयल है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन हमें इसको खोल के चेक करना है, क्योंकि स्पार्क जो है वहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रहा। मैं आपको स्पार्किंग करके भी दिखाऊंगा यदि ये कोयल में फॉल्ट हुआ। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है इस कोयल के अंदर, जो आपको देखने से शायद दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया है, नई कोयल मेरे पास आ चुकी है क्योंकि फॉल्ट इसके कोयल में है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर इसमें फॉल्ट हो रहा है। इसका जो एक गुच्छा है जहाँ पर ये टर्न हुए हैं कॉपर के, वहाँ से जल चुका है। ये आपके सामने है रिजल्ट, देख सकते हैं यहाँ से जला है, बाकी सारे सही है, कहीं से आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ से जला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखने पर ये फॉल्ट निकाल लेंगे। और ये नई कोयल है, ये 870 रुपये की है, बजाज जेन्युइन, जो मैंने सर्विस सेंटर से परचेज़ की है। कभी फिर आप बोलें कि भाई आपने इसका रेट नहीं बताया, ये 870 रुपये की मैंने परचेज़ की है सर्विस सेंटर से। इसका MRP 870 है, ठीक है। इस पर वैरोक की जो है पिकअप कोयल लगी होती है और इस तरह से आती है बजाज जेन्युइन कोयल। तो इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो हमने इसको पूरी तरह से फिटिंग कर दिया है। इस पर जो पैकिंग लगेगा वो स्पेशल होता है बजाज प्लैटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट का, इस पर कोई और पैकिंग नहीं लगता, स्पेशल लगेगा। और इस तरह से फिर हमने इसको कवर को लगा दिया है। और अब इसके जो कपलर है यहाँ पर, इसको हम लगा देते हैं। ये कपलर फिर ऊपर जाएगा बैटरी के पास, ठीक है। और जब आपका ये काम निमट जाए उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टेस्टिंग करना है वैसे ही पीली तार में, सॉरी पीली और लाल और नीली में। अब स्पार्क देखिए कितना डिफरेंस आएगा, वहाँ पर कितना हल्का स्पार्क था और आप देख सकते हैं उतनी ही एक्सीलेटर में कितना तेज स्पार्क है, ठीक है। ये पहली वायर का स्पार्क है। अब जो दूसरी वायर है ये वाली, ठीक है, येलो में हल्का सा रेड, उसमें भी आपको टेस्ट करा देता हूँ दूसरी वायर में। इनमें बराबर स्पार्क आएगा, देख सकते हैं कितना तेज स्पार्क है, ठीक है। यदि हमने यहाँ पर हेडलाइट ट्यूब लगा दी तो तुरंत फ्यूज हो जाएगी, हल्की सी एक्सीलेटर देने में पूरी रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको लगा देते हैं और आपको हेडलाइट चेक कराते हैं। प्रॉब्लम इसकी लाइट कोयल का ही था दोस्तों। तो लाइट अब आप चेक कीजिए, आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।